हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, आज हम आप लोग को केडी सिंह बाबू स्टेडियम का एक व्यू दिखाने वाले हैं। उसके अंदर आ चुके हैं हम, सामने वहां आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये यहां से एंट्रेंस है। ये जो बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, कपड़े टंगे दिख रहे हैं, वहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। ये सामने आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्टैंड है, यहीं से बैट्समैन वगैरह एंट्री करते हैं। इधर आप देख रहे हैं, ये टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। ये स्टैंड्स हैं, सामने स्टैंड्स हैं, ये इधर फेंसिंग लगी हुई है जो आप देखते हैं, लंबे लंबे छक्के लगते हैं तो फेंस के दूसरी तरफ गिरते हैं जाके, या स्टैंड में डिलीवर होते हैं। वो स्टैंड में देखिए, एक दो बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। अभी तो यहाँ पर बारिश की वजह से पिच पे अभी काम होना बाकी है, तो बच्चे टहल रहे हैं। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा स्कोर बोर्ड, जिस पे स्कोर चलता है, वो सामने उधर है। और ये पूरा बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मैं इसके बाद आपको स्टैंड में जाके व्यू दिखाऊंगा। ये नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जाल वगैरह लगा हुआ है। सामने क्लार्क्स होटल है, जहाँ की रूफ से आप लोग यहाँ मैच देख सकते हैं। अभी आप, मैं पिच पे लेके जाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। रोलर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी तो खैर पिच पे तो बहुत सारी घास है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अभी उस पर जब काम होगा, उसके बाद अभी रिसेंटली कोई मैच हुआ नहीं है आई थिंक यहाँ पे। वैसे तो मैच होते रहते हैं, रणजी वगैरह के भी, रणजी ट्रॉफी के भी मैच पड़ते हैं। तो यहाँ पे पूछते हैं पिच कहाँ पे, पिच तो दिख ही नहीं रही है। वो देखो यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं बच्चे। मैं किसी से पूछता हूँ, क्यों भाई यहाँ पे पिच कहाँ पे है? पिच अच्छा, तो यही पिच है यहाँ पे। अभी इस पर काफ़ी सारी घास है, तो जब वो रोलर सामने, ये देखो बच्चे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, रोलर वगैरह, जब रोलर चलाने के बाद ये लोग पिच को रेडी करते हैं यहाँ पे। अभी मैच, अभी असल में वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी, थोड़ा मौसम वगैरह ख़राब था, तो कुछ दिनों से मैच हुआ नहीं है। अभी इसको रेडी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। आइए चलते हैं स्टैंड में, सामने स्टैंड है, वहाँ से एक व्यू दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे यहाँ पे स्टेडियम की घास काटने के लिए, मैदान में इतनी घास उगी होती है, उसको काटने के लिए, पूरे ग्राउंड की लेवलिंग करने के लिए, ये यहाँ पे घास काटने के लिए मशीन है। और वो रोलर सामने आप देख पा रहे होंगे, तो सामने ये यहाँ पे मेस है, जितने यहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं, खेलते हैं, उन सभी के लिए खाने वगैरह का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे रिसेंटली एक, अभी 2 अक्टूबर को 5 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसका यहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ है। पीछे प्रैक्टिस करने के लिए, वॉलीबॉल वगैरह के लिए मैदान है इसके जस्ट पीछे। आइए स्टैंड में चलते हैं, स्टैंड की तरफ। यहाँ पे सफाई तो अच्छी खासी है, आइए चलते हैं। यहाँ से देख रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सब लोग जैसा टीवी पे देखते हैं ना मैच, एकदम हरा भरा मैदान। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। आइए और ऊपर चलते हैं, वहाँ से एक व्यू दिखाते हैं। इसके ऊपर ये ड्रेसिंग रूम है, और इधर से ये स्टेप्स, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से बैठ के मैच का लुफ्त ले सकते हैं आप। यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, ये सामने पूरी सीढ़ियाँ हैं। आइए और ऊपर चल के आपको एक व्यू दिखाते हैं, यहाँ से क्या मज़ा आता होगा मैच देखने का। चलिए यहीं पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ से सुनने में आता है कि जब स्टेडियम में जाके मैच देखो तो उतना अच्छा नहीं दिखता जितना टीवी पे दिखता है। खैर क्लियर पिक्चर देखने के लिए तो फिर बड़े बड़े कैमरे होते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्टैंड में बैठे हैं, सेकेंड ईयर तक में हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आता है, सारा कुछ एग्जैक्ट दिखाई देता है, प्लेयर्स भी एकदम विजिबल होते हैं, उनके फेस भी आप पहचान सकते हैं। सामने देख रहे हैं आप लड़के आ रहे हैं, उनको
कैमरे में तो आप नहीं ऐसे पहचान पाएंगे, बट सामने से देख रहे हैं तो अगर आप जानते हो कि हाँ ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे किसी भी प्लेयर को। खैर इतनी दूर से मैच देखने में काफ़ी मज़ा आता होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इकाना स्टेडियम का बनाऊंगा। सामने देखिए मेट्रो आ रही है, उसका व्यू आपको आ रहा होगा, वो सामने निकल रही पेड़ों के बीच से। बहुत ही अच्छा यहाँ का लोकेशन है, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन पे स्टेडियम है। सबसे अच्छी बात ये है जैसे कि इकाना तो लखनऊ के एकदम बाहर है, और ये स्टेडियम हज़रतगंज चौराहे से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर, परिवर्तन चौक के जस्ट बगल में। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।